तो फ्रेंड्स ये यार सुपर क्रिएटर पीसी बोल सकते हो इसको, ऑलमोस्ट 170,000 के अंदर बनने वाला वन ऑफ द प्रीमियम सुपर सिंपल आरजीबी बोल सकते हैं। इसके अंदर आरजीबी वगैरह हमने बिल्कुल भी ऐड करने की कोशिश नहीं किया है, क्योंकि कस्टमर ने बोला यार ऐड नहीं चाहिए, हमारे को आरजीबी नहीं चाहिए, मेरा जो इंटीरियर है ब्लैक वाइट रोज गोल्ड सब मिक्स के साथ में है। तो ये वाला पीसी मैंने यूज़ किया है। फर्स्ट तो मैं ये पीसी को यार आउट ऑफ 10 पॉइंट देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बजट पे पीसी बन रहा है इतना मस्त पीसी है, क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट 4060 Ti ग्राफिक कार्ड यूज़ हुआ है। ये ग्राफिक कार्ड रिप्लेसमेंट ऑफ 3060 Ti का रिप्लेसमेंट है। इसको हायर मॉडल के साथ में आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्राइस में मिल रहा है, मतलब आपको क्या बोलूँ यार, जितना प्राइस में ये मिल रहा है बेस्ट है। काफ़ी लोग इसको हेट भी करेंगे, क्योंकि सबको तो चाहिए होता है अच्छा कार्ड इन सस्ते दामों में। आने वाले दिनों में काफ़ी कार्ड के प्राइजेस कम हो सकते हैं, लेकिन अभी जो लॉन्च टाइम पे ये जो ग्राफिक कार्ड मिल रहा है 36,000 में गीगाबाइट ब्रांड का ऑलमोस्ट अनबीटेबल प्राइस में मिल रहा है। चलो इसके अंदर जो हमने प्रोसेसर यूज़ किया है राइजन 5 7600, यार रैम का खाली बॉक्स है कोई दिक्कत नहीं है, ओके राइजन 5 7600X वाला प्रोसेसर यूज़ किया है। ये वाला प्रोसेसर 6 कोर के साथ में आता है। कस्टमर एक स्टैंडर्ड एडिटर है, उसको थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना है, एडिटिंग भी करना है, उसको वो 3060 Ti की जगह 4060 Ti लेने का मन काफ़ी था, इसीलिए लॉन्च के डेट के अंदर आज का आज आकर कस्टमर ने खरीदा है। मतलब लॉन्च तो आज हो गया है, लेकिन ये वीडियो मैं कल पोस्ट करने वाला हूँ। इसका स्पीड प्रोसेसर का 5.3 GHz रहता है, मिनिमम स्पीड 4.7 GHz का रहता है, और बेस्ट प्रोसेसर बोल सकते हो राइजन की तरफ से आने वाला एक्स सीरीज़ का प्रोसेसर है। प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा वाला प्रोसेसर इसको बोल सकते हैं। ये कस्टमर में ये पीसी जो बिल्ड बनाया कस्टमर ने बिल्कुल भी आरजीबी उतना दिमाग में नहीं लगाया, नॉन आरजीबी में भी चाहिए था, इसीलिए रैम भी हमने यूज़ किया 16 GB की 5200 MHz की, काफ़ी बजट इकोनॉमिकल। रैम का रेट यार 4500 रुपये तक आता है, प्रोसेसर ऑलमोस्ट 21,990 रुपीज़ के अंदर आ जाता है। रैम 4500 के अंदर 16 GB DDR5, इससे सस्ता और क्या लोगे? जब ऐसा कूलर लगा रहे हो तो रैम आरजीबी लेने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। SSD स्पेसिफिकली सैमसंग 970 EVO Plus ही चाहिए थी, उसको DRAM चाहिए SSD के अंदर, और SSD कोई ख़राब नहीं है यार, 3500 MBPS के अंदर आने वाली SSD बेस्ट SSD बोल सकते हैं NVMe सैमसंग की। इन फ्यूचर में कस्टमर ने बोला मैं Gen 4 SSD अपग्रेड कर लूँगा। मदरबोर्ड यूज़ किया जो X670P Wi-Fi CSM सीरीज़ का, प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, थोड़ा वाइट एंड ब्लैक के अंदर लुक्स आ जाता है, और थर्मल भी काफ़ी कूल नहीं रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर टफ या रॉग सीरीज़ का मदरबोर्ड है ना, जो और अल्टीमेट परफॉर्मेंस के अंदर आता है। ये एक स्टैंडर्ड मदरबोर्ड बोल सकते हैं, जो एक बजट इकोनॉमिकल मदरबोर्ड। पावर सप्लाई हमने यूज़ किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ओरस 750 वॉट्स फुल्ली मॉडुलर गोल्ड रेटेड का पावर सप्लाई है, जो 10 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में आता है। भाई ओरस सीरीज पावर सप्लाई वन ऑफ द बेस्ट पावर सप्लाई इन प्राइस टू परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आप दूसरे पावर सप्लाई जाते हो यही प्राइस पॉइंट के अंदर काफ़ी महंगे मिलते हैं। भाई 10 ईयर्स वारंटी है, 135 mm का फैन आता है, और ओरस मीन्स टेंशन ही नहीं है आपको सर्विस के लिए। और जो कूलर यूज़ किया हमने थर्मल राइट का पियरलेस एसेंशन 120 SE एडिशन का, ये जो कूलर है ना भाई, देखो ये पूरा जो मिडिल सेगमेंट जो बना है ना, पूरा का पूरा ब्लैक सेगमेंट के बना है, इसलिए ब्लैक वाला जो एयर कूलर है ना काफ़ी अच्छा एयर कूलर है। फ्रंट के अंदर इस केस के अंदर 200 mm जितने बड़े बड़े दो फैन दिए हैं, बॉटम से थोड़ा सा RGB रहता है, एयर इनटेक यहाँ से हो जाता है भाई, यहाँ आकर एयर एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके अलावा हमने टॉप के अंदर दो, और टॉप के अंदर चाहिए तो आपको और दो, और बैक एक फ़ैन, 4 फैन, इससे ज़्यादा और क्या बोलें भाई। ये PC एक बेस्ट परफॉर्मेंस गेमिंग एडिटिंग PC बोल सकते हैं। इस PC का और मेन बजट बढ़ने का रीज़न है कस्टमर ने कीबोर्ड लिया है, उसका ब्लैक विडो 10 कीलेस कीबोर्ड और रेजर का डेथ एडर एसेंशियल। अभी कस्टमर के पास भाई एक मॉनिटर ऑलरेडी है, हालांकि ये PC का अगर वैल्यू देखो तो यार 2 लाख तक जा सकता है, क्योंकि उनके पास जो मॉनिटर है गीगाबाइट का M27Q वाला मॉनिटर, जो एक 2K 165Hz KVM स्विच वाला मॉनिटर है, IPS पैनल वाला वो मॉनिटर रहेगा उसके लिए गेमिंग के लिए। लेकिन कस्टमर एक क्रिएटर भी है, इसलिए वो यूज़ कर रहा है डिज़ाइनर मॉनिटर, जैसे कि ये देख सकते हो 2K लेवल का मॉनिटर PD2705Q। ये 2K लेवल मॉनिटर, डिज़ाइनर मॉनिटर जो 100% sRGB, वो भी आपको ट्रू कलर डिज़ाइन के साथ में आता है, और 2K रिजोल्यूशन के साथ में है, यार हर्ट्ज देखो तो 60 हर्ट्ज है।
मतलब मैं क्या बोलूँ, जब आप सिर्फ गेमर हो तो ये वाला मॉनिटर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप एडिटर भी हो और गेमिंग भी करते हो, 60 FPS लेवल का गेमिंग है, तो ये वाला मॉनिटर मोर देन एनफ है। लेकिन अगर आप M27Q लेते हो तो उसके अंदर एडिटिंग, गेमिंग सब कुछ कर सकते हो। लेकिन कस्टमर को बेसिकली जो करना था ना भाई, उनको तो यही मॉनिटर के साथ में दोनों करना था। तो ये एक ऐसा PC है जिसमें आप एडिटिंग, गेमिंग, रेंडरिंग सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा भाई हमारे पास हर तरह के PC कंपोनेंट्स, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम्स, SSD सब एग्रेसिव प्राइस के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा और हमारे PCs हम ऑल ओवर इंडिया भी शिप करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना है, हम ऑल ओवर इंडिया शिप भी करते हैं। तो फाइनली यही बोलूँगा यार वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच भाई। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आगे से आगे शेयर करना, ताकि जिस किसी को भी यह PC खरीदना है वो मेरा स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। और हम ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी करते हैं, हम सब कुछ आपको वीडियो में बता दिया। अगर इस वीडियो में और भी आपसे कुछ सजेशन देना है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे नंबर रहेंगे, आप कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके भी बता सकते हो, या फिर कमेंट के अंदर भी बता सकते हो। और चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।